नमस्कार, आरोग्य होम्योपैथी क्लिनिक से मैं डॉक्टर गोपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल होमेयोगी में। दोस्तों, जिस प्रकार से सोना आभूषण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बिना सोने के आभूषणों की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार से सोने से एक दवा बनती है, होम्योपैथिक दवा, जिसे आरम मेटेलिकम कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे आरम मेट कहते हैं और बिना आरम मेट के आप हृदय की बीमारियों को ठीक करने की कल्पना नहीं कर सकते। हृदय की बीमारियों को ठीक करने में आरम मेट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आरम मेट के बारे में ही बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी किसी पार्ट को मत छोड़िएगा, ताकि आरम मेट दवा को और इस दवा के लक्षणों को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि आरम मेट हृदय के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है और हृदय की कार्य प्रणाली को यह संतुलित करने का काम करती है। तो यदि आरम मेट के लक्षणों को देखें तो आरम मेट का जो मरीज होता है उसके हृदय के भाव किसी भी कारण से बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण वो इतना अधिक परेशान रहने लगता है कि उसके कारण वह कोई भी गलत कदम उठाने में हिचकता नहीं है। जैसे मान लीजिए हृदय के भाव से मतलब जैसे किसी के मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होना या किसी के प्रति नफरत उत्पन्न होना, तो इस प्रकार से जो हृदय के भाव होते हैं वो किसी भी कारणवश यदि बहुत अधिक बिगड़ जाए, उसके कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है उसमें आरम मेट बहुत ही अच्छा असर करती है। यहाँ पर हम एक डिप्रेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति जिन्हें अचानक से व्यापार में बहुत अधिक हानि हो जाती है, तो जैसा कि देखने में आता है शेयर मार्केट में कई लोगों को अचानक से बहुत अधिक नुकसान हो जाता है, तो ऐसे केसेस में हृदय के भाव पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। उन्हें जो है निराशा अपनी जकड़ में ले लेती है, उन्हें जीवन ऐसा लगने लगता है जैसे अब भार सा है और मैं इतनी उधारी कैसे चुका पाऊंगा, ये सब विचार जो है उसके हृदय के तल पर उत्पन्न होते हैं। उसे मानसिक रूप से ऐसा लगता है कि मैं ये जो सोच रहा हूँ ये चीज़ सही नहीं है और मैं कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा हूँ, किंतु इसके बाद भी उसके हृदय के तल पर जो भाव है वो वापस सही नहीं होते। ठीक इसी प्रकार की कंडीशन तब भी उत्पन्न होती है जब किसी करीबी परिचित की मृत्यु हो गई हो अचानक से, तो उसके प्रति जो प्रेम होता है उस प्रेम में व्यक्ति जो है उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाता और उसके हृदय के जो भाव होते हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से किसी पति पत्नी का आपस में बिछड़ना या किसी प्रेमी प्रेमिका का आपस में बिछड़ना, ये सब भी कंडीशंस होती हैं जो हृदय के भाव को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कई व्यक्तियों के जो हृदय के भाव है वो घर में लड़ाई झगड़े के कारण बिगड़ना शुरू होते हैं। तो जब हृदय के भाव बिगड़ते हैं तो उनमें जो है मन में दूसरे लोगों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। किसी से भी बात ना करना, अकेले अकेले रहना और किसी की छोटी सी बात पे भी बहुत अधिक गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, इस प्रकार से भाव उत्पन्न होने लगते हैं। व्यक्ति जो रहता है वह 24 घंटे निराशा में डूबे रहता है, उसे किसी से भी बात करना पसंद नहीं होता। यदि आस पड़ोस के लोग उससे हंसी मजाक भी कर रहे हैं तो उसे हंसी नहीं आती, या वह हंसेगा भी तो उसके अंदर से हंसी उत्पन्न नहीं होगी। तो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इसे जो है डिप्रेशन कहा जाता है। इस प्रकार के जो लक्षण जो हृदय के भाव बिगड़ने के कारण उत्पन्न होते हैं, इसमें आरम मेटेलिकम बहुत अच्छा असर करती है। और यदि व्यक्ति अपने आसपास के समाज में या अपने घर परिवार में यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार देखता है कि अचानक से ये व्यक्ति हंसता खेलता व्यक्ति था परंतु अचानक से ये निराश रहने लगा है और अकेला रहने लगा है, इसे किसी से बात करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो ऐसे व्यक्ति को यदि आरम मेटेलिकम की कुछ डोज दे दी जाए तो उस व्यक्ति के जो हृदय के भाव है वो वापस संतुलित हो जाते हैं और व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की आत्महत्या या किसी भी प्रकार की बहुत अधिक हानि पहुंचाने के ख्याल उत्पन्न नहीं होते। दोस्तों, ये बिल्कुल टेस्टेड दवा है और इस प्रकार के केसेस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अचानक से नुकसान हो जाना, व्यापार में हानि हो जाना या प्रेमी प्रेमिका का अलग अलग हो जाना, इस प्रकार के केसेस में जो व्यक्ति जो है सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जा रहा हो, यदि उस समय आरम मेटेलिकम दे दी जाए तो बहुत ही अच्छा असर करती है और व्यक्ति के हृदय को संतुलित कर इस प्रकार की बुराई से, इस प्रकार के बुरे कदम उठाने से व्यक्ति को रोक लेती है। दोस्तों, आरम मेटेलिकम का जो दूसरा प्रभाव है वो होता है हड्डियों पर। तो जैसा कि कई लोग, खासकर ऐसे लोग में जिनमें आप हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यक्ति कभी ना कभी सिफिलिस से पीड़ित था। सिफिलिस रोग में बीमारी के इलाज के लिए पारे का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, तो पारे के उपयोग के कारण जब सिफिलिस बीमारी जो है उसको दबा दिया जाता है और इसके बाद यदि हड्डियों के रोग उत्पन्न हो गए हो, हड्डियाँ गलना शुरू हो गई हो, हड्डियाँ सड़ना शुरू हो गई हो, तो ऐसे मरीजों में जब आरम मेटेलिकम दी जाती है तो बहुत ही अच्छा असर करती है। तो यहाँ पर जो हड्डियाँ होती है वो खासकर पाँव के घुटने के नीचे की जो लंबी हड्डियाँ होती हैं, इन हड्डियों में सड़न गलन पैदा होती है, या नाक की हड्डियों में, या जबड़े के ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़ों में बहुत अधिक सड़न गलन होती है। इस प्रकार के केसेस में आरम मेटेलिकम बहुत अच्छा असर करती है। यदि हड्डियों में देखा जाए तो बहुत अधिक दर्द होता है, मरीज को ऐसा लगता है जैसे कोई चाकू से, तेज धार वाले चाकू से उसकी हड्डियों को छील रहा है, तो इतना खतरनाक दर्द जो हड्डियों के केसेस में होता है।
और इस प्रकार के दर्द को दूर करने के लिए आरम मेटेलिकम यदि दी जाए, खासकर तब जब इस हड्डियों के दर्द की आप इतिहास लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, तो पता चलेगा कि मरीज ने कभी ना कभी पारे का उपयोग किया था अपने सिफिलिस को ठीक करने के लिए। तो इस प्रकार ऐसे केसेस में आरम मेटेलिकम देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, आरम मेटेलिकम की एक और विशेषता है कि इसके मरीज में आप जब पूछेंगे तो वह कहेगा कि मुझे कोई भी चीज़ दो दिखाई देती है, डबल दिखाई देती है। तो ये तो जनरली बहुत सारी मेडिसिन में होता है, परंतु इस दवा का एक सबसे विलक्षण लक्षण ये है कि आरम मेटेलिकम के मरीज को कोई भी चीज़ दो तो दिखाई देती है, परंतु उस वस्तु के आधे से ऊपर का भाग सिंगल दिखाई देगा, परंतु आधे से नीचे का भाग जो है डबल दिखाई देगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसे दो दिखाई दे रहा है तो उसके कमर के ऊपर उसे सिंगल दिखाई देगा, परंतु कमर के नीचे ऐसा लगेगा जैसे चार टांगे हैं। तो इस प्रकार से विलक्षण लक्षण जो है आरम मेटेलिकम में पाया जाता है। इसके अलावा आरम मेटेलिकम हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने में भी दी जाती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पैदा करती है। जैसे कि मैंने बताया कि हृदय के भाव बिगड़ने के कारण कोई भी बीमारी यदि उत्पन्न होती है तो उसके लिए आरम मेटेलिकम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि किसी करीबी परिचित की मृत्यु की खबर सुन लेता है, या इसी प्रकार की जैसा मैंने आपको बताया व्यापार में हानि, या कोई किसी भी कारण से यदि उसके हृदय के भाव बिगड़ते हैं, अचानक से वो ऐसी खबर सुन लेता है, उसे पैरालिसिस हो जाता है या उसका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ऐसे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए आरम मेटेलिकम दी जाती है। और ऐसे केसेस में जहां पर मरीज को लंबे समय से ब्लड प्रेशर बना रहने लगा हो और यदि हिस्ट्री ली जाती है तो इस प्रकार के केसेस निकलते हैं कि व्यापार में हानि हुई थी या कोई करीबी परिचित की मृत्यु निकली थी, तो ऐसे ब्लड प्रेशर के रोगी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आरम मेटेलिकम दिया जाता है और बहुत अच्छा असर करता है, और आरम मेटेलिकम उसके इस ब्लड प्रेशर की बीमारी को दूर कर देता है। इसके अलावा टेस्टिस की एट्रॉफी में या टेस्टिस की हाइपरट्रॉफी में भी जो है आरम मेटेलिकम दिया जाता है। बूढ़े लोगों के टेस्टिस के साइज बढ़ने में भी आरम मेटेलिकम दिया जाता है और दोस्तों बहुत अच्छा असर करता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आरम मेटेलिकम का और उपयोग देखें तो लिम्फ नोड में जो सूजन आ जाती है, लिम्फ नोड में जो दर्द होने लगता है, उसके लिए भी आरम मेटेलिकम देता है। तो हमारे शरीर में कई जगह पे लिम्फ नोड पाए जाते हैं और कई प्रकार से उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनमें सूजन आ जाती है, तो इस प्रकार की सूजन को दूर करने के लिए, इन ग्रंथियों को नॉर्मल करने के लिए आरम मेटेलिकम दिया जाता है। बहुत अच्छा असर करता है, इन ग्रंथियों को वापस नॉर्मल कर देता है। अब दोस्तों, यदि आरम मेटेलिकम के मॉडलिटीज की बात करें कि आरम मेटेलिकम के मरीज का दर्द जो होता है या उसकी समस्याएं जो होती है वो रात में बढ़ जाती है, तो जब जैसे कि मैंने बताया कि आरम मेटेलिकम जो जोड़ों के दर्द में या हड्डियों के दर्द में दिया जाता है, और यदि मरीज से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि मेरा दर्द दिन में तो कम रहता है परंतु रात में जैसे ही मैं बिस्तर में लेटता हूँ वैसे ही मेरा दर्द बहुत अधिक बढ़ जाता है, मुझसे सहन नहीं होता और मुझे बिस्तर से बाहर निकलकर थोड़ी देर चलना पड़ता है, उससे मुझे मेरे दर्द में कमी महसूस होती है। इसी प्रकार से आरम मेटेलिकम का जो पेशेंट होता है वो खुली हवा पसंद करता है, बंद कमरे में उसके सारी बीमारियां जो है बढ़ जाती है। जैसे हम दमे के केसेस को ले लें या अस्थमा को ले लें, तो अस्थमा के मरीज को डॉक्टर्स कहते हैं कि इन्हें खुली हवा से बचाइएगा और अधिक से अधिक गर्म कमरे में रहने की सलाह देते हैं ताकि दमे के अटैक में कमी आए। किंतु यहाँ पर आरम मेटेलिकम का जो है इसका विपरीत लक्षण पाया जाता है। आरम मेटेलिकम के दमे का जो मरीज होगा वह खुली हवा में उसका दमे में कमी आएगी, परंतु यदि उसे गर्म कमरे में रखेंगे तो गर्म कमरे में उसके दमे में वृद्धि हो जाएगी, उसे और भी अधिक तकलीफ होने लग जाएगी। तो यहाँ पर ये एक अपोजिट और विलक्षण लक्षण देखने को मिलता है कि दमे के मरीज को खुली हवा में, ठंडी हवा में राहत महसूस होती है, किंतु गर्म कमरे में उसकी तकलीफ और भी अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आरम मेटेलिकम का होम्योपैथी में उपयोग किया जाता है। ये दवा सोने से बनाई जाती है और होम्योपैथी की एक जो प्रोसेस होती है पोटेंटाइजेशन, उसके द्वारा इस दवा का निर्माण किया जाता है। यदि हम पोटेंसी की बात करें तो मैं जनरली होम्योपैथी की आरम मेटेलिकम दवा जो रहती है ये 200 पोटेंसी में यूज़ करता हूँ, 200 पोटेंसी में यूज़ करता हूँ। मैं इसके अलावा कोई पोटेंसी यूज़ नहीं करता और मुझे 200 पोटेंसी में ही आरम मेट के सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जनरली यदि देखा जाए तो आरम मेट को मैं बहुत अधिक फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करता हूँ, इसकी एक डोज 7 दिन में या एक डोज 5 दिन में पेशेंट के हिसाब से देता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कई लोगों के ब्लड प्रेशर जो है कुछ समय तक लेने के बाद यदि इतिहास ऐसा पाया जाता है कि हृदय के भाव बिगड़ने के कारण रोग उत्पन्न हुआ है, तो 5-7 दिन में यदि एक डोज दी जाती है तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है नॉर्मल हो जाता है और उनको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो एलोपैथिक चल रही होती है वो बंद हो जाती है। इस प्रकार से आरम मेटेलिकम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।